हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिव्यू सीएट के फ्यूल स्मार्ट टायर का। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सीएट के अंदर जहाँ माइलेज X3 बहुत अच्छी रेंज है, वहीं पे उनकी जो ये फ्यूल स्मार्ट रेंज है ये भी उसके साथ में ही आती है। 15-16 इंच तक सेम साइज़ के अंदर ही आपको अवेलेबल रहेगी, 12 इंच से लेकर 15 इंच तक। उसके अलावा जानते हैं कि इस टायर में माइलेज X3 से क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका नाम लिखा है फ्यूल स्मार्ट, तो कंपनी क्लेम करती है कि इसके अंदर जो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफ़ी बेटर रहेगी। बाकी जैसा आप देख सकते हैं, इसके स्टिकर के रेटिंग से हम आपको समझा देते हैं। रोलिंग रेसिस्टेंस जैसे यहाँ पे आपकी लिखी हुई है, ये आपकी रोलिंग से होती है। और वेट ग्रिप 1.32, और जो आपकी टायर नॉइज है दैट इज़ 70 डेसिबल। तो सिंपल टर्म्स में हम इससे बात करें तो जो आपका टायर है उसके अंदर जो फ्रिक्शनल लॉस होते हैं वो इसके अंदर काफ़ी कम रहते हैं। जो रोड नॉइज़ आती है वो भी कंपनी का जो क्लेम है कि इसके अंदर रोड नॉइज़ भी काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि उन्होंने सिलिका का थोड़ा यूज़ कर रखा है। और लास्टली जो इसके अंदर कह रखा है कि वेट ग्रिप होती है कि जो आपकी गीली सड़कें हैं, बारिशों में जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उसके अंदर रोड के ऊपर पकड़ और ब्रेकिंग वो कैसी रहती है, तो उसके अंदर भी इसका काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री कंपनी का क्लेम है। अब आते हैं इसकी वारंटी के बारे में कि इसकी वारंटी क्या आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं 30 मंथ्स, मतलब कि आपके करीबन 2.5 साल की इसके अंदर आपको वारंटी मिलेगी, दैट इज़ फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। तो जो भी आपकी बिलिंग रहेगी उससे वो टर्म्स में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाएगा, पर आपकी इतनी आपकी मैन्युफैक्चरिंग इसके अंदर वारंटी आती है। अनकंडीशनल वारंटी है, कट जाए, फट जाए, फूल जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हो, चाहे आपका टायर कोई कट आ जाए, कुछ आ जाए, उसके अंदर आपको वारंटी मिल जाएगी। अब हम आपको इसको साइड से दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सीएट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका प्रॉपर टायर साइज, स्पीड रेटिंग, लोड इंडेक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका इसमें फ्यूल स्मार्ट आपको लिखा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आपका टायर आएगा। इसके अलावा हम देखते हैं इसकी रबड़ की क्वालिटी, तो रबड़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है, तो कह सकते हैं कि इस साइज़ के अंदर ये रबड़ ठीक रहती है, क्योंकि इंडियन रोड्स पे बहुत ज़्यादा जो सॉफ्ट मटेरियल है वो काफ़ी कामयाब नहीं है। दोस्तों ग्रिपिंग की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको ये वाली ग्रिप मिलेगी, जो कि थोड़ी सी अलग है आपकी माइलेज रेंज से। काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग है, काफ़ी आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो छोटे छोटे कंकड़ हैं वो फंसने की इसके अंदर जगह आपकी कम दी गई है, तो वो भी काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि जो इनके अंदर जो आपके सामने कंकड़ फंस जाते हैं इसकी वजह से भी रोड से काफ़ी नॉइज़ आती है और थोड़ा बहुत ब्रेकिंग पे आपके अफेक्ट करती है। तो दोस्तों ये आपका टायर है। इसके बारे में आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ एक ही क्वेश्चन में आप जो भी आपने सवाल पूछना है वो पूछ लीजिए, बार बार इसके अंदर नए नए क्वेश्चन या चैट की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि मैं उतने रिप्लाइज आपको नहीं दे सकता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।